आमिया, क्या है? ये देखो, स्टिक स्टिक माल आया। भैया। ओके, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। प्लास्टिक के पाइप से मारा था ना, इसीलिए ज्यादा चोट नहीं आई। करेक्ट सर, मुझे भी ऐसा ही लगा। पर पेशेंट तो अमनेशिया पेशेंट जैसा, याददाश्त खोए हुए जैसा बिहेव कर रहा है सर। अमनेशिया? वासु, मेरे यार, क्या हुआ तुझे? मामू, क्या हुआ मामू? तुम कौन हो रहे? मैं हूँ बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। नहीं, बांगू बालचंद्र। हट जा, उसको छोड़। मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? बिल गेट्स। तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। इसे अस्पताल में रहना है। करेक्ट। इसे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता था ये वासु है, मैंने इसे पाइप से। अरे बाप रे, पाइप से तो पानी निकालते हैं, आदमी को नहीं मारते। सब अपनी अपनी आदत से मजबूर होते हैं। प्रेजेंट कंडीशन क्या है? हाँ, याददाश्त खो बैठा है। हाँ, वैसे भी इसे कहाँ कुछ याद रहता था। प्लीज, अगर आप लोग इन्हें पुरानी बातें याद दिलाएंगे तो शायद इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। आप बाहर जाइए, हम कोशिश करते हैं। ठीक है। क्या हमारे सामने नहीं कर सकते? ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी नहीं है कि सबके सामने बोले। चलो उठो, बाहर जाओ। ए, उठो, चलो बाहर जाओ। ठीक है, चल जा, चल जा। अरे सोनी वाले फिर से ऑडिशन कर रहे हैं, क्या इसे पता है? रिएक्शन है। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, किसी से कहना नहीं। हाँ क्या? तुझे एक्टर नहीं सिंगर बनना है, याद रखना। हाँ वो बात नहीं है रे, मैं एक्टिंग करूंगा तो एक हफ्ता इधर रह सकता हूँ ना। दिव्या भी मेरे साथ रहेगी तो फ्रेंडशिप डेवलप होगी। देखो मेरी हालत देखकर कितनी बेचैन है। मर जाएगा, पुलिस केस होगा, इसलिए डर रही है। क्या हुआ, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब, हमारे वासु को क्या होगा? डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है तो ये हमें पहचानता क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी शक्ल जो एक बार देख ली वो भूल सकता है क्या? डॉक्टर साहब, हमारा वासु फिर से ठीक नहीं हो सकता क्या? नहीं तो आप जैसा। मजाक कर रहे हो? तुम लोग फिक्र मत करो, इसको कल से हम लोग शॉक ट्रीटमेंट देंगे। पर आज से क्यों नहीं? शॉक देने से तो बहुत दर्द होगा डॉक्टर। पागलपन से दर्द बढ़िया होता है। करेक्ट। सर, हमारे वासु को कुछ मत कीजिए, हम इसे घर लेके जाएंगे। नो 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 नो, ऐसे पेशेंट्स दिखने में तो सीधे दिखते हैं, समटाइम्स कला पकड़ के काट लेते हैं। मोटे गेंडे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब क्या करेंगे डॉक्टर? मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। तुम आओ बेटी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अरे ये तो मेंटल हॉस्पिटल भेज रहा है। अरे जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा बोलेगा ना तो मारूंगा। अरे कुछ करो यार। डॉक्टर, पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल में भेजना ही अच्छा है। डॉक्टर, वासु को फिट्स आया है और वो पलंग पर अपना सर पटक रहा है। फिट्स? हाँ। एक घंटे में इतनी सारी बीमारियां, बाप रे बाप, मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, चलो देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जस्ट नॉर्मल हुआ है सर। बालू, बिल गेट्स, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? और ये कौन? दिव्या, तुम्हारे घर में ही रहती है, बहुत अच्छी लड़की है। इसीलिए आयरन रॉड के बजाय प्लास्टिक पाइप से मारा था। ओह, हेलो। हेलो, हम ऑलरेडी बहुत बार मिल चुके हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? मुझे अस्पताल में नहीं रहना है। चलो, दम घुट रहा है मेरा। बेड नंबर 3 का पेशेंट, यस। आप उन्हें दवाई लिख के देंगे तो हम चले जाएंगे। उसको हम लोग दवाइयाँ नहीं देंगे, उसकी हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। समझे कि नहीं? उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे फालतू लोगों को ट्रीट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ऊपर से ऐसे लोग जो कि अस्पताल का मजाक करते हैं उनको हम सहन नहीं कर सकते हैं, उसे ले जा सकती है। प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर। सर, बेड नंबर 3 का पेशेंट। मुझे पहले से ही शक था ये ऐसा ही कुछ करेगा। क्यों? हमारे डैडी ने इसे घर से निकाल दिया ना, इसलिए वापस घर आने के लिए ऐसा पेशेंट बनकर आया है। सिंपैथी पाने के लिए ड्रामा कर रहा है। तुम्हारे लिए नया है, हमें तो आदत पड़ गई है। डॉक्टर ने जाने को कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसी बातों पर कोई मजाक करता है? ये सब सच मानकर मैं कितनी टेंशन में थी पता है? आप इतना चीपली बिहेव करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। दरअसल वो मैं। प्लीज एक्सप्लेन करने की कोशिश भी मत करना। अरुण, चलो।
वासु तेरा बैड लक भी खराब है रे। क्या हो गया? कुछ नहीं, अब बैठो, बताता हूँ। हमारी दोस्ती के नाम पर ये बाइक मैं तुम्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ। शाम को 5 बजे वापस कर देना, ठीक है? कच्चियो बेटी, मुंह में अंगूठा निकालो निकालो, अच्छी बात नहीं है। हेलो, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ओ, तुम मेरी बेटी को क्यों डरा रहे हो? तुम्हें अकल नहीं है क्या? मेरी बेटी को रुला दिया तुमने? देखिए वो चुप नहीं हो रही है और तुम आके उसे रुला रहे हो। जैसा चेहरा करके मेरी बच्ची को डरा दिया? ये कोई तमीज की बात है? नाराज हो रही है। देखिए मुझे इस वक्त अरे ओ अकल के अंधे, सवेरे सवेरे मेरा आटा बिगाड़ दिया, कहाँ से आया रे? पूरा गिरा दिया ना तेरा देख नहीं सकते। टाइम क्या हुआ है? 8:15। पता है मैं डिसन फैमिली से हूँ। फैमिली मेंबर अंदर है। तुम लोगों को भी यही आइडिया सोचना था क्या? कुछ नया नहीं सोच सकते थे क्या? अरे चल। अरे सूरदास, बोला था टाइम पे खड़ा रहेगा, कहाँ है तू? मामा पकड़ लिया मुझे, धुलाई करेंगे अब। वासु पतली गली पकड़ ले। धोखेबाज, दोस्ती में धोखा देता है। अरे अरे अरे, 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 अरे दिखता नहीं है। ओरिजिनल अंधा वासु, तेरा टाइम अच्छा है। सुनिए, आपको कहाँ जाना है? पंजा गुट्टा। आइए मैं ड्रॉप करता हूँ। तुम क्यों कष्ट करते हो? कष्ट? ये क्या कह रहे हैं? मैं रोज कम से कम 12 अंधों को ड्रॉप करता हूँ। जानते हैं क्यों? इस दुनिया में दर्दनाक स्थिति एक ही है, ट्रैफिक वाले रोड पर आप जैसे लोगों को कहाँ जाना है मालूम नहीं पड़ता। आइए आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आपके साथ आऊंगा तो मुझे जो 2-4 रुपए मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। भाई पैसों में क्या रखा है, दिल साफ होना चाहिए। आइए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। आइए आइए, संभल कर आइए आइए, बैठिए। नेक्स्ट स्टॉप पे चलो। ये इधर क्या कर रहा है? कबाब में हड्डी। ओके बस, तेरा सत्यानाश हो, तेरी वाट लग जाए। ओके सर, ओके सर। मैडम स्कोर क्या हुआ? क्या? सॉरी, मैं रेडियो समझाता हूँ।
गाड़ी ट्रैफिक में रुकी है क्या? भीड़ बहुत है क्या? तो मैं शुरू हो जाऊं? बाबा दान दीजिए, बाबा माई दान दीजिए, दान दीजिए बाबा माई दान दीजिए, दान दीजिए बाबा माई दान दीजिए। चुप कर बेटा, बेटा दिखने में हट्टे कट्टे हो, इस उम्र में पिताजी की देखभाल करने की बजाय उनसे भीख मंगवाते हो और स्टाइल मार रहे हो खुद, शर्म नहीं आती क्या? क्या जमाना आ गया। उधर क्या हुआ तुम्हें? ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं गाड़ी पे चढ़ने से पहले ही बोला था मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, तुमने सुना नहीं? छी छी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। माई